तो दोस्तों WWE 2K Battleground गेम रिलीज होने के बाद उसको सब लोग कंपेयर करते रहते हैं WWE 2K20 से, क्योंकि WWE का लेटेस्ट गेम 2K20 था, उसके बाद फिर यही आया है 2K Battleground। तो भाई किसी को 2K20 बहुत ज़्यादा पसंद है और किसी को 2K Battleground, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ही देख सकते हो, क्योंकि लोग हमेशा मुझे बोलते रहते भाई या तो आप 2K20 खेलो या फिर 2K Battleground। और मुझे, मेरा मानना है भाई, मुझे दोनों गेम अच्छे लगते हैं, क्योंकि 2K20 पास्ट है और 2K Battleground अभी फिलहाल प्रेजेंट है भाई, तो इसलिए मुझे दोनों पसंद है। और इसलिए दोस्तों आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ फेल गेम चैनल पर, जहाँ मैं 2K20 का एक मैच खेलूंगा, उसके बाद वही सेम मैच 2K बैटल ग्राउंड में खेलूंगा। और आज भाई शुरू होगा आज से, अभी से, और हम लोग आज चार मैच करेंगे भाई। सबसे पहले 2K20 का, सॉरी, तीन तीन मैच करेंगे, चार नहीं, चार बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तीन तीन मैच करेंगे भाई। सबसे पहले सिंगल्स मैच करेंगे 2K20 में, फिर तुरंत 2K बैटल ग्राउंड में, उसके बाद फिर स्टील केज मैच सेम टू सेम दोनों, और फिर लास्ट में भाई 30 मैन रॉ रंबल मैच 2K20 में और 30 मैन रॉ रंबल मैच 2K बैटल ग्राउंड में। तो आज की वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो भाई लोग, सबसे पहले शुरू करेंगे WWE 2K20 से, जॉन सीना वर्सेस दी अंडरटेकर, और इसके बाद भाई सेम मैच खेलेंगे WWE 2K बैटल ग्राउंड में। और आप लोग को अगर 2K20 पसंद है भाई तो कमेंट करो 2K20 OP, और इसके बाद जब यही सेम मैच चलेगा 2K बैटल ग्राउंड में तो भाई उसमें लिखना, अगर आपको वो पसंद है तो लिखना बैटल ग्राउंड OP। बस आज भाई, आज से वॉर शुरू हो रहा है 2K बैटल ग्राउंड और 2K20 में, ये एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूँ भाई। तो चलिए फर्स्ट मैच खेल लेते हैं, जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर। इस गेम में मैं एंट्रेंस ऑन नहीं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है WWE की तरफ से और वीडियो ब्लॉक हो जाती है, पर हाँ 2K बैटल ग्राउंड में एंट्रेंस ऑन रख सकता हूँ। चलिए इस मैच में जॉन सीना हूँ। अरे अंडरटेकर यार, स्टार्टिंग ही में मुझे टूम्बस्टोन देने जा रहे थे। चलो कल ही भाई जॉन सीना मैंने अनलॉक किया था तो 2K बैटल ग्राउंड में काम आएगा। अंडरटेकर ने दे दिया टूम्बस्टोन, शुरू में टूम्बस्टोन खून देता है। मैच शुरू हुआ है, स्क्वॉश करना है क्या आपको? मेरे को स्क्वॉश मत करिए अंडरटेकर। रेफरी पिनफॉल करने लगा। 2-9। अरे मुझे लगा मैं स्क्वॉश हो गया भाई। एक फिनिशर और है अंडरटेकर के पास, मेरा काम खत्म करने के लिए काफी है। बचाया क्या मैंने? बचा लिया भाई, कैसे तो बचा लिया पता नहीं। अंडरटेकर गलत बात है। सेम मैच खेला जाएगा भाई 2K बैटल ग्राउंड में, और उसके बाद होगा। अरे अंडरटेकर ने OMG भी दे दिया। अंडरटेकर मार मार के मेरा कचड़ा कर दे रहे यार, अभी तो मैच स्टार्ट ही हुआ था, OMG भी दे दिया। टूम्बस्टोन OMG सुसाइड डाइव, बताइए क्या अंडरटेकर यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया है, मेरे धोती का रुमाल कर दिया भाई अंडरटेकर ने। पब्लिक चिल्ला रही दिस इज ऑसम, मेरी खटिया खड़ी हो रही है, पब्लिक ऑसम। अंडरटेकर कहाँ जा रहे हो? अच्छा एक्सट्रीम रूल्स मैच है इसलिए अंडरटेकर जा सकते हैं। ये अंडरटेकर क्या क्या मांग रहे हैं? अच्छा बाल सेट कर रहे हैं, ओह बाल सेट कर रहे हैं अंडरटेकर। मैं खड़ा क्यों नहीं हो रहा हूँ? सीना, हाँ लेट्स गो सीना, यस। चलिए ओ अंडरटेकर वापस आ गया। अंडरटेकर सोच रहे थे मैं मर गया, मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। ये देखिए, हाँ फाइव नकल शफल आ रहा अंडरटेकर आपके लिए। यू कैन सी मी अंडरटेकर, बस रिवर्स मत कर दीजिएगा, हाथ झाड़ के डांस करके बूम। एक्सट्रीम रूल्स मैच है और सामान यूज ना करूं फिर तो मजा आएगा ही नहीं, क्या बोलते भाई लोग? टेबल निकाल लिया जाए आज भाई, डबल गेम का मजा एक ही गेम में होने वाला है, इसलिए 2K बैटल ग्राउंड की आज वीडियो नहीं आएगी भाई, क्योंकि दोनों वीडियो आपको एक साथ देखने को मिलेगी आज। टेबल लेके आया था मैं, मजे लेंगे अंडरटेकर। अरे भाई साहब मुंह में पड़ा खींच के, गलत बात है अंडरटेकर, इट्स नॉट फेयर। चलो रिवर्स कर दिया, ये बहुत ही अच्छा काम किया मैंने बहुत दिनों के बाद। ये लीजिए टेबल उठाने दो भाई, मेरे को चाहिए टेबल, उठा के लाया था मैं। अंडरटेकर मजे ले रहे हैं तब से। अरे हाँ आग, वाह वाह वाह, आग भी लग गई है, सावन में लग गई आग। अब टेबल पे आग, नहीं 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 अंडरटेकर टेबल पे नहीं, टेबल पे नहीं, टेबल पे नहीं, हाँ बताओ। मैंने टेबल पे आग लगी, अंडरटेकर मजे लेंगे, मैं नहीं लेने दूंगा भाई। आइए अंडरटेकर, प्लीज अंडरटेकर आ जाइए प्लीज, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपको टेबल पे एक बार पटकूं। केन की यादों को ताजा करते हुए, ओह मजा आ गया। पिनफॉल, रेफरी पिनफॉल कर, एक्सट्रीम रूल्स है। 1-2,
किक आउट कर दिया, आग लग गई थी टेबल में। अच्छा मैं तो भूल ही गया था, अंडरटेकर को आग से कुछ नहीं होता, वो तो केन केन डरता था आग से शायद। भाई यार कुछ तो था, अंडरटेकर और आग का रिश्ता तो भाई बहुत पुराना है। अंडरटेकर को बिजली से ज्यादा प्यार है। चलिए लाइटनिंग फीस देके गेम खत्म करता हूँ। लो अंडरटेकर ने बचा लिया, अब पड़ा मुझे चौक स्लैम पड़ा। बहुत फ्यूचर प्लान्स नहीं बनाना चाहिए अंडरटेकर के साथ। रिवर्स किया क्या? हाँ रिवर्स नहीं किया, रिवर्स नहीं किया, मैच हार जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ घर। किक आउट कर दिया खैर के। अभी भी अंडरटेकर पास फिनिशर, अगर अंडरटेकर ने वो दे दिया जो, अच्छा हेल्स गेट तो नहीं दिया, कम से कम हेल्स गेट दे देते मैं सबमिट कर देता। इसे रिवर्स कर सकता हूँ मैं। रिवर्स किया, बोल दो रिवर्स किया है। हाँ मजा आ गया। थैंक यू अंडरटेकर, थैंक यू फॉर द फिनिशर। लो स्टाइल मारते हुए अंडरटेकर खड़े हो गए, फिर बच गए अंडरटेकर। पता नहीं कैसे, क्या कर रहे हैं अंडरटेकर। अंडरटेकर को तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई। अंडरटेकर के अगेंस्ट बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ, और ये अंडरटेकर ने अपना कमबैक भी दे दिया है। स्नेक आइज, दौड़ के मुंह पे लात। बस 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 हो गया, मेरा कांड हो गया। लेग ड्रॉप भी दे दिया। कोई आ गया, अरे रैंडी ऑर्टन, मेरा यही तो भाई असली रैंडी ऑर्टन। मदद कर भाई, आर क्यो दे जाके अंडरटेकर को। बहुत बढ़िया ऑर्टन। अरे ऑर्टन तू मारने आया था कि मार खाने पर? चलो अच्छा मेरी बला ऑर्टन ने अपने सर ले ली। लास्ट राइड खा लिया अंडरटेकर का। थैंक यू ऑर्टन, तुझे याद रखूंगा मैं। अंडरटेकर पास तो फिनिशर फिर से आ गया। ऑर्टन एक तमाचा, आर क्यू तमाचा मार के जा रहा है यार। आर क्यू दिन के जाता ना यार। चलो अंडरटेकर उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो अच्छा है, मैं बच गया हूँ। सीना खड़े हो जाइए प्लीज। सीना भूल गया कि मैच चल रहा है। ऑर्टन मेरा सच्चा भाई निकला। अरे अंडरटेकर मैच यहाँ चल रहा है। अरे अंडरटेकर तो ऑर्टन के पीछे चले गए। अरे ये लोग दोनों का मैच चलने लगा अपना, ये क्या हो रहा है? अंडरटेकर साथ 2-on-1 हैंडीकैप मैच। ऑर्टन मेरा भाई अंडरटेकर बचाने आ गया मुझे, बताओ। ऑर्टन आर क्यों देगा क्या? देना है तो दे दे, किसी को नहीं बोलूंगा मैं। सॉरी ऑर्टन, सॉरी भाई तेरे को गलती से लग गया, तेरे को नहीं मार रहा। अरे ऑर्टन तो पतली गली से निकल लिया। ऑर्टन ऑर्टन बड़ा चला के यार, पतली गली का रास्ता नापते हुए ऑर्टन ऐसा भागा है ना कि दोबारा नजर नहीं आएगा। और सबमिशन देने जा रहा था। टूमस्टोन गलत बात है अंडरटेकर, एक बार तो टूमस्टोन मेरा भी देना बनता है। ये लीजिए टूमस्टोन। अब मैं चला उठाने लैडर। एक्सट्रीम रूल्स मैच है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। देखो क्या है नीचे, लैडर। अंडरटेकर इस लैडर के ऊपर आइएगा, मुझे नहीं लगता अंडरटेकर आएंगे। अंडरटेकर पता है क्या करेंगे, मुझे लैडर से गिरा देंगे। अंडरटेकर आ जाइए, मजा आ जाएगा। लैडर के ऊपर आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। यार मुझे लग रहा था ये मेरे को गिराएंगे, ऊपर नहीं आते यार। लैडर ही मैच में ये लोग ऊपर आते हैं ज्यादातर, नहीं तो रिंग के अंदर हो सकता है आ जाए। चलिए वो ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लैडर के ऊपर से ये दूंगा ना तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होगा। अंडरटेकर थोड़ी देर के लिए लेटे रहिए प्लीज, दिली ख्वाहिश है मेरी। अरे अंडरटेकर तो खड़े होने लगे। चलो मैं जा रहा हूँ ऊपर, अंडरटेकर भी आ जाए तो मजा आ जाए। अंडरटेकर क्या सोच रहे, अंडरटेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? रुको अब आएंगे अंडरटेकर। ले अंडरटेकर तो चेयर लेके आ रहे हैं भाई। मैं जा रहा हूँ फिर भी ऊपर, रिस्क ले लेता हूँ। अंडरटेकर हो सकता आ जाए ऊपर, चांसेस कम है। ले गिरा दिया ना, मुझे लग रहा था, पर कोई बात नहीं छोड़ो। लैडर वाला छोड़ देते हैं, मुझे कमेंट्री टेबल दिख रहा है वो तोड़ा जाए। अंडरटेकर नहीं, जो भी सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, मत करिए अंडरटेकर। हाँ मैं जा रहा हूँ टेबल खोलने, एक ही टेबल है उसको भी तोड़ ही डालते हैं। खोलो इसको, हट जा मनुष। तीनों हमेशा एकदम चकाचक सूट पहन के बैठा रहता, कभी कभी चेंज भी कर लिया सूट। कोरी ग्रेव्स वही ब्लू रंग का, माइकल कोल वही काला रंग का, बैरन सैक्सन भी वही। टेबल तोड़ना है, टेबल टेबल टेबल, इससे कुछ नहीं होगा। दिस इज ऑसम,
भाई एआई तो दी और तो कुछ नहीं दिया, अभी ऑसम होगा, वेट करो आप लोग। जाइए टेबल के पास प्लीज। अरे यार सेट नहीं हुआ अंडरटेकर, गलत जगह दौड़ा दिया फिर से, बहुत ही घटिया आदमी हूं मैं, इस बार सही दौड़ाऊंगा प्लीज अंडरटेकर, इस बार तो और दूर अब लेके आना होगा अंडरटेकर को उल्टा। अपने में ये मेहनत है पर टेबल तोड़ने के लिए भाई इतना तो थोड़ा सा सहना होगा, टेबल भी टूटते हुए देखने मिलेगा वो भी एए से। चलिए अंडरटेकर कम ऑन भाई। 2K बैटल ग्राउंड में अंडरटेकर का भी मैंने नया अटायर अनलॉक कर लिया है, वो भी अभी आपको देखने मिलेगा इस मैच के बाद, क्योंकि इसके बाद हम ओ इस बार अंडरटेकर ने दौड़ा दिया। चलो भाई ठीक है, अंडरटेकर का 3-3 वर्जन उसमें मैंने डाउनलोड किया है, एक नहीं दो दो 3-3 अटायर अंडरटेकर का अनलॉक है। जाइए टेबल तो मैं तोड़ के रहूंगा चाहे मैच हार रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं मैच हारूं तो हारूं पर टेबल तो जाएगा काम से। वेट कर लूंगा अंडरटेकर का, उठिए हाँ बस इसी दिन का मैं वेट कर रहा था, टेबल मुझे तोड़ना है वो भी एए से। चलो भाई अब मैच खत्म करने का टाइम आ गया है, चलो अब अंडरटेकर को अंदर ले जाने का टाइम आ चुका है। अंडरटेकर अंदर चलिए, आ रहा हूं मैं भी, कमबैक आ चुका है ना मेरा, आइए कमबैक भी दे ही दिया जाए। गलत मत दबाना भाई, गलत दबाऊंगा कमबैक चला जाएगा। चलिए सब मिला के दिया है, इससे बचना जरूरी था, अंधेरा कर दिया अंडरटेकर ने, लो अंडरटेकर ने कर दिया अंधेरा और अब मेरे साथ कांड हो चुका है, अंडरटेकर फायदा उठाएंगे। ना 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 यू कैन सी मी अंडरटेकर, ये लीजिए और जो शॉट आपने बचाया था उसी शॉट से मैच खत्म होगा, यानी कि लाइटनिंग फिस्ट बहुत दे दिया ये, अब बचाया लाइटनिंग फिस्ट देना। आइए लैडर के ऊपर चढ़ के तैयार हूँ, बचाइएगा मत प्लीज अंडरटेकर, आखिरी उम्मीद है। अरे यार मैच को मतलब आपको लंबा चलाना है ठीक है, अगर आपका मूड है तो मेरा ही मूड है, रिवर्स कर दिया ना, अब देखिए मार, सॉरी अंडरटेकर, एक और बार छीनिएगा मत लैडर, मैं यही बोलना चाहता था। चलो जल्दी आ जा सिग्नेचर, जल्दी सबमिशन सबमिट करवा सकता हूँ अंडरटेकर को, क्या बोलते भाई लोग। ना 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 अंडरटेकर इतनी जल्दी सबमिट नहीं करने वाले हैं। चलो फिर से एक बार तीसरी बार लाइटनिंग फीस देने जा रहा हूँ, इस बार खा लीजिएगा अंडरटेकर प्लीज, 3-3 फिनिशर बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता प्लीज। फाइनली पिनफॉल, पिन कर रेफरी मनुष कोई काम का नहीं है। 1-2 चलो भाई अब यही सेम मैच करेंगे हम लोग अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना WWE 2K बैटल ग्राउंड में, पर पहले जॉन सीना की सेलिब्रेशन देख ले। ओ भाई आग वाला टेबल, सबसे मस्त मोमेंट था आग वाला टेबल, ये तो रैंडी ऑर्टन आ गया था मैं भूल ही गया था, रैंडी ऑर्टन मेरा भाई निकला बचाने आ गया था मुझे। अंडरटेकर को उल्टा टूम्बस्टोन, लास्ट में बचा के जीत गया। अब चलिए इस मैच को हम लोग खेलेंगे WWE 2K बैटल ग्राउंड में जॉन सीना वर्सेस दी अंडरटेकर, और आप लोगों को देखने मिलेगा, कंपेयर करने का मौका मिलेगा भाई कौन सा गेम ज़्यादा अच्छा है, और देखते हैं क्या कमेंट आता है भाई, ज़्यादा किस गेम के लिए कमेंट आता है। दोनों तरफ दिखा दी सीना, ऊपर भी चढ़ के दिखाई दीजिए। चलिए सैल्यूट भी दे ही दीजिए, अब 2K बैटल ग्राउंड की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप अपना सेलिब्रेशन कर लीजिए जो भी आपका सेलिब्रेशन है। चलो भाई अब बढ़ते हैं 2K बैटल ग्राउंड की तरफ, सीना का सेलिब्रेशन अब खत्म होने ही वाला है, बढ़ते हैं चलो भाई।
तो चलो भाई लोग अब सेम मैच करेंगे हम लोग WWE 2K बैटल ग्राउंड में। और क्योंकि उस टाइम मैंने जॉन सीना लिया था इसलिए अब भाई मैंने अंडरटेकर लिया। और जैसा आप देख सकते हो कि अंडरटेकर का नया लुक है और जॉन सीना का कल जो हमने भाई लुक देखा था उससे थोड़ा सा अलग है। और ब्लू टी शर्ट से हट के ये ग्रीन वाला है उनका। तो चलिए मैच शुरू करते हैं। इसमें एंट्रेंस भी ऑन रहेगा, एक अच्छी बात है। 5 4 3 2 1 जल्दी से शुरू हो जा। 0 शुरू हो जा भाई। एक नंबर गेम अभी शुरू होने वाला है भाई। आप लोग तब तक कमेंट करो भाई कौन सा गेम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पहले मैच देख लो यार, मैच भी डिपेंड करता है। सामने सामने देखने से ज़्यादा समझ में आता है। बैक टू बैक सेम मैचेस आप लोग देखने वाले हो, बस प्लेयर चेंज हो गया है क्योंकि इस बार मैंने अंडरटेकर ले लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ताबूत में आ चुके। इसका एंट्रेंस मुझे कमाल का लगता है, मतलब एकदम डिफरेंट है एंट्रेंस। ये देखो भाई सबसे पुराने वाले अंडरटेकर, ये अनलॉक कर लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला अंडरटेकर, पुराने वाले अंडरटेकर एकदम सबसे पुराने वाले, जो एकदम यार जो मुझे बचपन में याद है कि बचपन में यही अंडरटेकर मैंने देखा था WWE में। अब सीना आएंगे, सीना ब्लू टी शर्ट में नहीं आने वाले हैं। दो सीना है मेरे पास फिलहाल अभी, एक ग्रीन वाला जो बैंड बैंड पहनते हैं जो लेटेस्ट सीना है, और ब्लू टी शर्ट वाला जॉन सीना। बस सीना अनलॉक करके मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सीना का बहुत टाइम से वेट था क्योंकि अगर आपने Q&A की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जॉन सीना मेरे फेवरेट सुपरस्टार हैं। चलो सीना ने सैल्यूट कर दिया, आइए सीना। फेवरेट तो हैं पर अभी फिलहाल इनको मार के जीतना है मुझे। सुप्लेक्स, जैक हैमर दे दिया अंडरटेकर ने। तो इसमें भाई क्या है कि सामान एक से एक है। और ये अरीना भी कमाल का है। ये अरीना कमाल का क्यों है वो मैं आपको पता ही होगा जिसने पहले की वीडियोस देखी है, और जिसको नहीं पता है उसको अभी पता चलेगा कि ये अरीना अच्छा क्यों है। ये बकरा देख रहे हो भाई, अब ये बकरा मेरे काम आने वाला है क्योंकि अब इस बकरे को मैं कंट्रोल करूंगा और उसको जॉन सीना पीछे दौड़ाऊंगा और जॉन सीना को मार के उनकी हेल्थ ले लूंगा। दौड़ा मार सीना को भाई, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसलिए मुझे 7 हो चुका है, 8 हो गया है। अंडरटेकर जल्दी आई उसमें से बाहर, अंडरटेकर हार जाएंगे। चल बच गया, बच गया अंडरटेकर। 1 से स्टार्ट हो गया है। ये लीजिए सीना, रिंग के ऊपर जा रहा हूं मैं सीना के पास, पर मार खा खा के ना हीट बहुत बढ़ गया है। ये लीजिए सीना, दे दिया मैंने अपना सिग्नेचर पोज। सीना के पास आ चुका है, यू कैन सी मी। ये लीजिए, हाँ चॉक स्लैम, बूम। चलिए सीना थोड़ा देर के लिए घिरे रहिए, तब तक मैं स्टाइल मारता हूँ। अरे बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं यार इसमें, इसमें सिग्नेचर का कोई मतलब ही नहीं है, बस फिनिशर का मतलब है। अब बकरे को लाने का टाइम हो गया है ताकि सीना की बची कुछ एनर्जी भी खत्म हो जाए। नीचे जा, नीचे जाइए अंडरटेकर जल्दी से। सीना भी पीछे पीछे जरूर आएंगे और मेरे जाल में फंस जाएंगे। अरे अंदर जाइए, वहां जाना चाह रहा था मैं, जा नहीं पाया। 2 हो गया, जल्दी जाइए। हाँ डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। चलो बहुत बढ़िया, सीना की बची कुछ एनर्जी खत्म होगी। 5 इतना जल्दी कैसे हो गया? अरे 6 हो गया, बहुत जल्दी यार। 8 मत बोल देना। हाँ कैसे तो खत्म हो गया। चलो बकरा नीचे, चलिए रिवर्स, बकरा नीचे चला गया। और मैं अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता हूँ, आग लगा ली हाथ में भाई। अंडरटेकर थोड़ा सा और, ये लीजिए आग लगे हुए हाथ से ज्यादा। इसमें भाई ये गेम सारा पावर अप्स का है और कूल मूव्स का है भाई, पर इसमें पेशेंस भी रखना है क्योंकि रिवर्स उतना अच्छे से नहीं होता है जैसे कि 2K20 में रिवर्स दिया है। ये WWE की नॉर्मल गेम से हटकर है और ज्यादा टफ भी है। इसका रॉयल रंबल बहुत ज्यादा टफ है जो कि आज हम लोग खेलेंगे। लो चलिए थोड़ा देर, अरे हाँ बस टूमस्टोन आने ही वाला है, मैच खत्म होने ही वाला है।
चलो भाई गेम खत्म। सीना का सीना मिलते हैं अगले साल पिनफॉल। गेम खत्म करो भाई। 1 2 3 गेम खत्म। अंडरटेकर जीतते हैं एक बार सीना एक बार अंडरटेकर। अब भाई हम लोग खेलेंगे WWE 2K20 का 30 मैन रॉयल रंबल मैच। आज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मैं तीनों तरह नहीं सॉरी रॉयल रंबल नहीं, इससे पहले स्टील केज खेलेंगे भाई, उसके बाद फिर 2K बैटल ग्राउंड का स्टील केज, लास्ट में दोनों गेम का रॉयल रंबल। ठीक है तो पहले तो अभी स्टील केज खेलेंगे भाई। चलिए इसको हटाते हैं और 2K20 लगाते हैं। तो भाई चलो अभी हम लोग WWE 2K20 का स्टील केज मैच खेलेंगे, उसके बाद सेम यही मैच हम लोग 2K बैटल ग्राउंड में खेलेंगे। आपको पता ही है तो अभी फर्स्ट मैंने रोमन रेक्स इसमें लिया है और 2K बैटल ग्राउंड में सेथ रॉलिंग्स लूंगा। रोमन वर्सेस सेथ स्टील केज मैच है, शुरू कर रहे हैं भाई। तब तक आप लोग नीचे कमेंट करो कौन सा गेम अभी आपको अच्छा लग रहा है, 2K20 या फिर 2K बैटल ग्राउंड। आपकी अपनी भाई मर्जी है, सबको अलग अलग गेम पसंद आता है और बहुत लोग मुझे लिखते रहते हैं भाई ये गेम अच्छा है यही खेलो, ये गेम अच्छा वही खेलो। तो भाई मुझे तो दोनों ही गेम पसंद है क्योंकि मुझे WWE पसंद है और 2K20 में ऐसे क्रैशेस बहुत होते हैं पर अच्छा ही गेम है। पर कुछ नया देखने के लिए हमको मिल रहा है भाई 2K बैटल ग्राउंड में तो क्यों नहीं। सेठ बच गए, व्हाइट पैंट पहन के आया भाई सेठ तो क्या मतलब, जीत के जाएगा ऐसे थोड़ी होता है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट हो रहा है। अच्छा रिवर्स, सेठ बहुत गलत कर रहा है भाई, तू 3 स्पीयर एकदम लगातार दे दूंगा मैं, गलत किया, यही तो गलती कर दी भाई, यही तो गलती कर दी क्योंकि अब मैं पुराना वाला अच्छा वाला रोमन नहीं हूं, गुस्सैल रोमन हूं मैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैंने बोला ना भाई बहुत गुस्सा आता है, फिनिशर खाने नहीं आया हूं मैं दोनों गेम खेल खेल के ना, सुपरमैन पंच भाई दोनों के कंट्रोल्स अलग अलग है, अपने दिमाग को कॉन्स्टेंट रखना है दोनों गेम के लिए मुझे, इसके कंट्रोल्स उसमें खेलने की कोशिश कर रहा हूँ उसके इसमें। भाई चारों कॉर्नर से सेठ को स्पीयर दूंगा उसके बाद स्टील केज के बाहर जाऊंगा। इधर से भी आ भाई, रिवर्स मत करियो सेठ, अच्छा भाई है तू भाई, मैंने बोला था बहुत गुस्सा आता है मुझे भाई। स्टील केज जब दोनों का खेल लूंगा उसके बाद रॉयल रंबल खेला जाएगा 30 मैन दोनों में, और मैं आपको बता दूं कि 2K20 से ज्यादा हार्ड 2K बैटल ग्राउंड में 30 मैन रॉयल रंबल जीतना है भाई। एक और स्पीयर होता ना मजा आ जाता, एक कॉर्नर बच गया है, एक कॉर्नर से और दे दू ना स्पीयर तो मजा आ जाए। अरे सेठ 3-3, 4-4 स्पीयर खाने के बाद भी खड़ा हो गया सेठ, मजाक कर रहा है क्या? सेठ ने अपना फिनिशर दे दिया, अब भागेगा सेठ, पिनफॉल। ओहो भाई मैंने 3 फिनिशर दिया इसका पिनफॉल नहीं करवाया, इसने 1 फिनिशर दिया पिनफॉल करवा लिया। तेज तेज तो सेठ रॉलिंस ही निकला। रोमन खड़ा हो जा भाई, अब कुछ नहीं हो सकता रोमन तेरा, रोमन खड़ा हो जा प्लीज प्लीज। 3-3, 4-4 स्पीयर दिया भाई, ऐसे मत कर भाई प्लीज, खड़ा हो जा। हाँ ये हुई ना बात, पकड़ सेठ को भाई। 2K बैटल ग्राउंड में पैसे लूटने पड़ते हैं पर इसमें ये अच्छा है कि पैसे वैसे नहीं लूटने। चलो भाई बचा लिया, मैं कंट्रोल्स ना गलत गलत दबा दे रहा हूँ दोनों में। सर तूने गलत गलती की थी भाई, अब भुगतान तो चुकाना ही पड़ेगा, खड़ा हो जा भाई। 2K बैटल ग्राउंड में तू मार लेना पर फिलहाल अभी मेरा टाइम है, अब जा रहा हूँ मैं। अरे ऊपर ऊपर कैसे जाता है इसमें, भूल गया मैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है सर? हाँ वही तो मैं बोलूँ, ऊपर क्यों नहीं जाएगा सेठ, आना है तो आ जा भाई। अच्छा आ गया, मैं तो मजाक कर रहा था यार सेठ, तू तो सही में आ गया सेठ। सेठ मत आ यहाँ पे, जा नीचे जा, एकदम नीचे जाओ, आना मत। अरे रोमन उतरता क्यों नहीं, हाँ अब उतरने लगा फाइनली। सेठ उठना मत भाई, पहले बोल दे रहा हूँ, बाहर जाने दे मुझे आराम से। चलो भाई अब तो मैं निकल गया, सेठ नहीं रोक पाएगा, टाटा सेठ। अब मिलते हैं भाई तुझसे 2K बैटल ग्राउंड में, जहाँ मैं बनूंगा सेठ और रोमन को हराऊंगा। फिलहाल यहाँ पे तो रोमन जीत के जा रहा है,
चलिए भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग 2K बैटल ग्राउंड की तरफ, जहां मैं लूंगा सेथ रॉलिंस, और यहां तो फिलहाल रोमन जीत गए। जीत के सेलिब्रेशन मनाते हुए रोमन, अच्छा रिप्ले भी दिखाता है इसमें, 2K बैटल ग्राउंड में रिप्ले नहीं दिखाता है, इसमें ये अच्छा है रिप्ले दिखाता है। चलो भाई, चलो रोमन जीत गए, सेठ उदास बैठे हुए स्टील केज के अंदर, कोई बात नहीं सेठ, अभी बैटल ग्राउंड में जीतेगा ना भाई तू, मतलब कोशिश करूंगा जिताने की सेठ को। चलो भाई बढ़ते हैं 2K बैटल ग्राउंड गेम की तरफ। तो भाई 2K20 में तो स्टील केज मैच हो गया, अब हम लोग 2K बैटल ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, और आपको पता है कि 2K20 मैंने रोमन रेक्स लिया था, तो इस बार भाई मैं सेथ रॉलिंग्स लेने वाला हूँ। तो चलिए मैच शुरू करते हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग एंट्रेंस भी देख सकते हैं। तो भाई चलो देखते हैं इसमें भी जीतता हूँ या नहीं, उसमें तो जीत गया, इसमें देखता हूँ कि जीतता हूँ या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको, उसके बाद भाई लास्ट कंपैरिजन होगा रॉयल रंबल के बीच में, इसका 30 मैन वर्सेस 2K20 का 30 मैन। चलो भाई शुरू करो स्टील केज मैच, इसका स्टील केज मैच ज्यादा हार्ड है क्योंकि पैसे लूट के भागने पड़ते हैं। सेथ रॉलिंस, मुझे भी अनाउंस करने में मजा आने लगा है। सेथ सेथ, और भाई इतना इतना मैचेस खेलने से ना ब्लू चिप्स बहुत सारे मिल रहे हैं मुझे, तो उससे मैं अच्छा कोई प्लेयर या तो अनलॉक कर सकता हूँ या फिर किसी का अटायर भी अनलॉक कर सकता हूँ, वो देखा जाएगा जैसा होगा। चलिए रोमन भी आ चुके हैं, रोमन भाई 2K20 में जीत गया, अब इसमें हारे आना प्लीज। रेंज सुपरमैन पंच लॉक एंड लोड, ओ हो बूम, आ जाइए रोमन, स्टील केज के अंदर आपका स्वागत है। बेल बजते के साथ मैच स्टार्ट हो जाएगी, 2-1 गो। अरे अरे हाँ पैसा मुझे दिख गया, मैं वही सोच रहा था कि पैसा है कहाँ, गलत किया पता है। रोमन भाई जा मुझे लूटने दे प्लीज। चलो ठीक है लूट लिया, पूरा गार्ड किया रोमन ने, चेयर कहां से निकाला यार रोमन ने। चलिए करंट लगने वाला है, अच्छा हुआ आज सही टाइम पे उतर गया मैं, वरना ऐसा झटका पड़ता ना यार मेंटल हॉस्पिटल में डायरेक्ट उठता मैं। अरे पैसे पड़े हुए यहाँ पे, बताओ छुट्टे पैसे रख के कोई चला गया, अच्छा ही है अपना क्या जा रहा है भाई। रोमन भाई थोड़ा देर के लिए सोया रहे, रोमन अब उतारेगा मुझे भाई, ऐसे नहीं जाऊंगा, स्टॉर्म दे के जाऊंगा, टेंशन मत लेना रोमन भाई। जैसे तूने स्पीयर दिया था ना 2K20 में, यानी दिया तो मैंने ही था, पर ठीक है रोमन झटके लग जाएंगे, झटके लग जाएंगे, लग गए भाई, अब मैं जा रहा हूं मेंटल हॉस्पिटल, मुझे पड़ चुके हैं झटके, ऐसे झटके पड़े ना यार 2K बैटल ग्राउंड ने, बहुत जोरदार झटके दिए। आजा भाई रोमन नीचे, चल भाई फाल्कन एरो खाने के लिए तैयार। चलो स्टॉर्म दिए बिना नहीं जाऊंगा भाई, मेरा मीटर फुल हो गया है, अब भागने की तैयारी करनी है मुझे, पर पहले दूंगा अपना मैं फाल्कन एरो, आग लगाओ तो हाथ में। अरे इतनी कम आग क्यों लगी, बहुत कम आग दिख रही है यार, सेठ की आग कम है क्या, बहुत खतरनाक मारा यार रोमन ने, सुपरमैन पंच भी आ गया रोमन के पास। रोमन सबमिशन, पर इसमें सबमिट नहीं होता है, अब पड़ेगा मुझे सुपरमैन पंच, कभी भी देखने मिल सकता है आप लोग को, रिवर्स मत करिए रोमन, हाँ मेरा आ रहा है फिनिशर आ रहा है, अब तो आ जा। चलो भाई फिनिशर आ गया, स्टॉर्म देखे जाऊंगा मैं, चलिए जा रहा हूं ऊपर। अरे गलत टाइम पे ये बत्ती बच गई यार, स्टॉर्म दिया था रोमन, बहुत टाइम तक गिरे रहते, बहुत गलत हुआ, अब रोमन भागने नहीं देंगे मेरे को, भाग जा भाग जा भाग जा सेठ, रुकना मत भाई, निकल ले फट से, ऐसे भी रॉयल रंबल मैच बहुत लंबा होने वाला है। चलो भाई ठीक है, तो सेठ जीत गए और रोमन गुस्से में आ गया,
और ये गिर गया रोमन। चलो भाई रोमन के लिए लाइक करना, रोमन गुस्सा गया है, कोई बात नहीं, 2K20 में जीत गया था रोमन। चलो भाई अब 2K20 का रॉयल रंबल 30 मैन रॉयल रंबल मैच खेलने वाले अपन, उसके बाद फिर इसका 30 मैन रॉयल, इसका तो बहुत लंबा, पता नहीं जीतूंगा अभी या नहीं भाई, इसका रॉयल रंबल मैच मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तो चलिए पहले 2K20 का खेल लेते, उसमें ज़्यादा चांस है मेरे जीतने का, तो चलिए उसको खेलते हैं, उसके बाद फिर इसको खेलेंगे। तो दोस्तों आज की हम लोग फाइनल मैच में पहुंच चुके हैं जो कि है WWE 2K20 का रॉयल रंबल, और इसके बाद हम लोग खेलेंगे WWE 2K20 2K बैटल ग्राउंड का रॉयल रंबल। तो चलिए पहले 2K20 का रॉयल रंबल शुरू करते हैं। मैंने लिया ब्रॉक लेसनर और खुद को नंबर एक पर लेके आऊंगा भाई मैं, जैसा ब्रॉक लेसनर ने 2020 के रॉयल रंबल में किया था। और ब्रॉक लेसनर तो नहीं जीते पर मैं कोशिश करूंगा पूरी जीतने की, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और मुझे इसका उतना टफ नहीं लगता, मतलब इसका टफ है, ऐसा नहीं है टफ नहीं है, टफ है, पर 2K बैटल ग्राउंड का कुछ ज्यादा ही टफ है। एक तो हाथ दुख जाएगा आपका, क्योंकि हर प्लेयर को आपको मार के पूरा एकदम कमजोर करना होगा। इसमें क्या है भाई, फिनिशर है, 3 अंडरटेकर के साथ शुरू हुआ। मैं ब्रॉक लेसनर नहीं हूं, मुझे बनना होगा ब्रॉक लेसनर, पता नहीं मैं क्यों नहीं था। अंडरटेकर के साथ क्यों शुरू हुआ यार, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? तो अंडरटेकर के साथ मैच करवा दिया मेरा। रॉयल रंबल स्टार्ट होता है ऐसे भाई, ऐसा रॉयल रंबल स्टार्ट होने लगा ना तब तो मत पूछो भाई, पेपर व्यू बिकेगा। तो अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर से रॉयल रंबल शुरू हो रहा है आजकल, क्या क्या देख रहा हूं मैं। चलो ठीक है, जब ऐसा ही है तो ब्रॉक लेसनर को आप ऊपर से स्टिंग 3 नंबर पे है। वाह भाई ये मैच हो गया ना जिस दिन WWE में, ब्रॉक अंडरटेकर स्टिंग एक टाइम पर, मत पूछो। सबके पास 3-3 फिनिशर है, दोनों ही से खतरा है मुझे। सुप्लेक्स, अंडरटेकर आप भी आइए, चलिए सुप्लेक्स सिटी। ब्रॉक लेसनर लिया है तो अब तो मारना पड़ेगा, क्या कर सकता हूं मैं। स्टिंग खड़े हो रहे हैं, बाहर कर सकता था स्टिंग को अभी। हाँ चलो, स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर ड्रीम मैच, टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, एजे स्टाइल्स आ रहा है, ये हो क्या रहा है भाई इस रॉयल रंबल में, सब स्टार आदमी लोग है क्या? एजे स्टाइल्स साइड में जाइए भाई, एक आदमी तो कम से कम एलिमिनेट हो। एजे स्टाइल्स बाहर, सॉरी एजे, अंडरटेकर ने टूमस्टोन दे दी, अंडरटेकर को मौका नहीं मिलता है, टूमस्टोन दे देते जिसको तिसको। मतलब मैं यहाँ एलिमिनेशन कर रहा हूँ, अंडरटेकर ने मुझे टूमस्टोन दे दिया। अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग, चलो देखने को तो मिल रहा है, पर एक दूसरे को ये लोग एलिमिनेट कर देते तो मुझे ज्यादा रिलैक्समेंट होता। कौन आ रहा है? एलिस्टर ब्लैक, चलो टूमस्टोन नहीं, मैं पता नहीं इतना देर से क्यों सोया हूँ भाई, एक टूमस्टोन ही तो खाया था। मेरी आदत खराब हो गई है 2K बैटल ग्राउंड खेल खेल के जल्दी उठने की। एलिस्टर भाई तेरे को बाहर जाना होगा, सॉरी। स्टिंगर चलिए बाहर जाइए, बच गया यार एलिस्टर ब्लैक। रिंग को खाली करना होगा भाई, जीतना है रॉयल रंबल तो रिंग खाली करो, वरना खतरा बढ़ते जाएगा। देखो तो एक और आदमी आ रहा है, कौन है भाई? नाम तो लिखा हुआ नहीं है, कोई डाउनलोडेड प्लेयर है, पता नहीं कौन है। अंडरटेकर प्लीज बाहर जाइए, एक आदमी बाहर जाओ प्लीज। अंडरटेकर बाहर, तीनों मेरी तरफ क्यों पड़ रहा है? ब्रॉक लेसनर भाई ये तो सही में 2020 वाला रॉयल रंबल है क्या, कि 3-3, 4-4 प्लेयर घेर के मारेंगे ब्रॉक लेसनर को? बिगी, कोफी और रे मिस्टेरियो ने घेर के मारा था भाई लेसनर को, फिर लेसनर ने, वो अलग बात है कि सबको आउट कर दिया था। तो अभी कुछ वैसा ही करते हैं भाई, तीनों को आउट किया जाए, एलिस्टर ब्लैक से शुरुआत करेंगे। अरे ये कूदा कहां, लगा कहां, ये क्या है? अरे बाहर हो जाएगा ब्रॉक, प्लीज उस पे मत लेटना भाई। आउट नहीं, आउट नहीं, आउट नहीं, बच गया, रिवर्स कर दिया था भाई एलिस्टर ब्लैक। तू तो गया भाई, तू गया, तेरे को ट्रिप टू सुप्लेक्स सिटी। चल भाई आउट करने वाला था यार, वो तो मैंने रिवर्स कर दिया सही टाइम पे। अरे कौन मनहूस है, छुड़वा दिया, बताओ क्या मनहूसियत है यार। तू मेरे को बाहर करने आया था, अब जा बाहर एलिस्टर ब्लैक। रिंग खाली करने जा रहा हूं मैं, बचा लिया स्टिंग ने, अब स्टिंग मुझे बाहर करने वाले हैं, बचा लिया भाई यार, एकदम क्लोज कॉम्पिटिशन है।
चलिए स्टिंग बाहर जाइए, बिग शो पता नहीं क्यों आ गए। हाँ और स्टाइल मारी आप, बताओ इतना सीरियस मैच चल रहा है, ये खड़े होकर स्टाइल मार रहे हैं भाई साहब। रे मिस्टीरियो को आखिरकार मैं दिख ही गया ना, कुछ नहीं हुआ। रे फिर से ट्राई कर। अच्छा मतलब जोश में आया लड़का। अरे भाई साहब जिसको देखो मुझे आउट करने के चक्कर में जॉन सीना भी आ गए। जा भाई मेरी हेल्थ भी खत्म हो रही है और अब सीना भी आ गए। सॉन टॉम बॉम भिक्षु के ऊपर तो सबको मिलके कूदा जाए मैं तो बोलता हूं। गलती से जेफ हार्डी को लग गया। सीना मुझे मत मारिए प्लीज सीना। तीन चार आदमी एनी टाइम रॉयल रंबल के अंदर है ही, मैं ऐसे नहीं खेलता हूं भाई, मैं आउट करते रहता हूं आदमी। आज बहुत दिन के बाद ना रॉयल रंबल खेल रहा हूं इसलिए ध्यान थोड़ा मेरा भटका हुआ है। चलो सीना बाहर। अरे भाई मुझे आउट करने वाला आदमी आ गया, ड्रू मैकइंटायर। पब्लिक चिल्लाओ मेरे लिए, ड्रू मैकइंटायर यहां तो आउट नहीं करने दूंगा भाई तेरे को, भले वहां आउट कर दिया हो यहां नहीं करने दूंगा। खा F5 भाई, रियल में आउट कर दिया पर यहां तो मैं आउट करूंगा भाई। अरे भिक्षु को भी आउट कर सकता था, बच गया भिक्षु। ड्रू मैकइंटायर को तो आउट करने से पहले अगर आउट हुआ ना तो घनघोर बेइज्जती है भाई। जेफ हार्डी प्लीज हट जा, जेफ हार्डी हट जा। एज भी आ गए, सब बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। एज रिटर्न आए थे और यहां भी रिटर्न आ चुके हैं एज। चलो भाई बदला ले लिया भाई, जेफ हार्डी बाहर कर देगा। दो दो फिनिशर है जेफ के पास। हो भाई जब बचता हूं ना क्लोज कॉल्स है ये सब, कभी भी आउट हो सकता हूं। हेल्थ खत्म हो चुकी है पूरी। जेफ चलेगा भाई सुप्लेक्सिटी, बता भाई जेफ चलेगा तो बोल। चल भाई एक कौन आ रहा है, 10 तक पहुंच गए, 12 तक पहुंच गए। स्टीव ऑस्टिन भाई जेफ बाहर चला जा भाई, अच्छा आदमी है तू। स्टोन कोल्ड भी मेरे ही तरफ आ रहे हैं, जो आ रहा है सब मेरी तरफ क्यों देखते हुए आ रहा है, सब जलते हैं मेरे से, एक नंबर से टिका हुआ हूं ना मैं, सब जो भी आ रहा मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। स्टनर नहीं, स्टनर नहीं, स्टनर नहीं। बचा लिया स्टोन कोल्ड ने। फिंड आ गए 13 नंबर पे। जल्दी से स्टीव ऑस्टिन की तरफ करो यार टारगेट, ये लोग बस एक दूसरे को मारे यार भाई, एक आध आउट भी करो थोड़ा सा मेरा परेशानी कम हो। देखो स्टोन कोल्ड ने रिवर्स भी कर दिया, आपस में लड़ो। फिंड भी मुझे जो आ रहा है मेरे ऊपर हाथ साफ कर रहा है। फिंड तू तो बाहर जा भाई, तेरा टाइम हो गया, तू बाहर जा, मैं बोल रहा हूँ ना बाहर जा। चलो भाई फिंड बाहर। ये देखो इतना टेंशन चल रहा है मैच के बीच में, भिक्षु फोकस मार रहे हैं। अब तो बाहर जाना पड़ेगा आपको सर, आपको बाहर जाना होगा क्योंकि आप मैच के बीच में फोकस मार रहे थे। कीतली भी आ गया मारने के लिए मुझे। स्टनर स्टनर स्टनर, बची कुछ हेल्थ चली गई मेरी। स्टोन कोल्ड सबको स्टनर दे रहे हैं, स्टोन कोल्ड के अंदर अचानक से कोई भूत घुस गया है। स्टोन कोल्ड ने दो दो आदमी लोग को स्टनर दे दिया जबरदस्ती का। कीतली भी पिटने वाला है स्टोन कोल्ड से। भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं। एज पकड़ लो एज को, एज भाई प्लीज बाहर जा। अरे एज बाहर बच गया, एज नहीं मुस्तफा अली 15 नंबर पे आया अली। एज बाहर प्लीज, अली को लगता है दुश्मनी उनकी याद आ गई, क्योंकि आपको याद होगा मनी इन द बैंक में जीता था ब्रॉक लेसनर, अली को मतलब अली बेचारे चढ़े हुए थे ऊपर, उनको बाहर करके ब्रॉक लेसनर जीत गए थे। नहीं नहीं गिरा के लैडर से, सॉरी। अली भाई प्लीज बाहर हो जाइए। हाँ चलिए थैंक यू। फोन आ रहा है बिल गोल्डबर्ग 16 नंबर पे। कीतली तेरे को किसने बोला,
मैं अवेलेबल हूँ मार खाने के लिए, स्टोन कोल्ड ब्रॉक लेसनर और बिल गोल्डबर्ग। बताओ, ये तो रेसलमेनिया 20 की याद आ रही है मुझे, जहाँ बिल गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर हुआ था और स्टोन कोल्ड रेफरी थे, और अभी भी रेफरी जैसा खड़े हुए हैं। स्टोन कोल्ड आपको बाहर जाना होगा, बहुत देर से आप हो रिंग के अंदर, बाहर जाइए। रोमन आ रहे हैं, रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक, रोमन आ रहे हैं तीन तीन स्पीयर लेके। अरे यार, रिंग के बाहर नहीं, रिंग के बाहर नहीं, प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, छोड़ दे। बचा लिया, एक आदमी से तो बच गया, दोनों मेरे को क्यों देख रहे हैं यार, आपस में लड़ो ना, इनसे भी बचा लिया। अरे भाई साहब, जो आ रहा है मुझे ही मार रहा है, ये क्या है? स्पीयर वर्सेस स्पीयर करिए, हाँ बहुत बढ़िया। मैं थक गया, मेरी हेल्थ एकदम खत्म है, टोटल लॉस। 18 नंबर पे द मिस, और ये जैक हैमर देखने को मिल रहा है अपने को, गोल्डबर्ग ने उठा लिया है। मिस भाई तू तो बाहर जाएगा, कोई जाए तू, स्टाइल देखो, मैंने बिक्शो को उसी टाइम बोला है स्टाइल नहीं मारना चाहिए चलते हुए मैच के बीच में। एक लात मार दिया यार, अच्छा खासा मैं चलते हुए आ रहा था। बाहर बिल गोल्डबर्ग, रोमन वर्सेस ब्रॉक, स्पीयर दे रहे थे रोमन, गलत बात। रोमन कौन आ रहा है? बॉबी लैशली। रोमन गलत बात, आइए सुप्लेक्स। रेसलमेनिया 34 में जीत गए थे ना ब्रॉक लेसनर। बॉबी लैशली देखो अब स्टाइल मार रहा है, जो आ रहा है स्टाइल, या तो मुझे मार रहा है या फिर स्टाइल मार रहा है, यही दोनों में से एक काम कर रहा है। मनुज तू भी बाहर जाएगा, जा भाई बाहर, वापस मत आना। पता नहीं कौन आ रहा है अगला आदमी। रोमन सर बाहर जाइए प्लीज, बाद में मिलता हूं मैं आपसे, क्योंकि सेथ रॉलिंग्स आ रहे हैं। एक साथ दो दो दुश्मन से नहीं लड़ सकता मैं, इससे पहले शील्ड रियूनियन हो जाए और मैं पिटाऊं। एक आदमी को बाहर भेजो, अच्छा ही किया एक आदमी को बाहर भेज दिया। अब सेथ आ गए, ब्रॉक को जीतने दोगे कि नहीं दोगे भाई तुम लोग? पता नहीं कितना नंबर हो गया, 15-16 तो हो ही गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। चलिए अभी पता चल जाएगा, देख इस बार देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। चलो तीन जर्मन सुप्लेक्स, डोमिनिक, डोमिनिक आ रहा है, इसी ने भाई लोबलो मारा था ना सर्वाइवर सीरीज में। आ जा डोमिनिक, आ जा, तेरा तो मैं वेट ही कर रहा था छोटू, ये ले डोमिनिक मिस्टेरियो। 21 नंबर हो गया है भाई, सेठ देख तेरा भी दुश्मन है डोमिनिक, पर मुझे पता है तू मेरे को ही आउट करेगा इसलिए बाहर जा। डोमिनिक को मैं टॉर्चर करता हूँ, आ जा डोमिनिक, एक और बार F5 खाएगा कि बाहर जाएगा? जा बाहर, सेठ के साथ घूम ले भाई जाके, ट्रिपल एच 22 नंबर पे, पूरा रिंग खाली कर दिया, पर मेरे पास हेल्थ ज्यादा नहीं है। एक गलती और रिंग के बाहर, पर ये अच्छी बात है कि आधा मैच खत्म कर दिया है। पेडिग्री, अरे पेडिग्री पढ़ने वाला तो पता नहीं क्यों नहीं लगा। देखो यही जो सबके पास तीन तीन फिनिशर है ना, सब फिनिशर देने का ट्राई किए जा रहे हैं। कौन आ रहा है? टकलू कॉर्बिन, तेरा तो भाई सदियों से इंतजार था, आ जा, रुक जाओ, पहले ट्रिपल एच को हैंडल कर लेता हूँ, उसके बाद तेरा टकला तोड़ता हूँ मैं। हाँ जा जा साइड में जा, आ रहा हूँ मैं, मार ले स्टाइल मार ले भाई, आ रहा हूँ मैं। चल भाई, हाँ पीछे से वार करता है, तेरे से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। आ भाई F5 खा तो, रिंग के बीचों बीच में पड़े रहे। ट्रिपल एच खड़े हुई है, बटिस्टा भाई सबकी टीम रियूनाइट क्यों हो रही है? इवोल्यूशन इससे पहले रियूनाइट हो, अरे लगता हो जाएगी, हो गई भाई इवोल्यूशन रियूनाइट,
शील्ड को होने नहीं दिया था पर इवोल्यूशन हो गई क्योंकि दोनों एक टाइम पे रिंग पे आ गए। लो आपस ही में लड़ पड़े दोनों। मैं टकलू को संभालता हूँ, आपस में लड़ के तुम लोग दोनों भाई आउट हो जाओ। टकलू बाहर जा, जा बाहर, वापस मत आना। लो भाई बटिस्टा, वाह बटिस्टा काम कर रहा है अच्छा, बहुत मजा आ गया बटिस्टा। पर अब बाहर जाने का आपका टाइम, अच्छा ये तो आपस ही में लड़ रहे हैं तो मैं बीच में क्यों आऊंगा। लो भाई लड़ लो आप लोग, रेसलमेनिया 35 खत्म कर लो यहीं पे। शेबस तू ही बाहर चला जा भाई, कम से कम ये भी बाहर नहीं जा रहा, हो क्या रहा है, किसी को बाहर जाने का मूड नहीं है क्या। छोड़ो हटा, मैं ट्रिपल एस से लड़ता हूँ। चलिए ट्रिपल एच बाहर जाने का टाइम आ गया सर, रिंग खाली करना है, जीतना है। 26 नंबर ऑटन भाई, अगर एक सेकंड और रुकता ना तो पूरा इवोल्यूशन के तीनों मेंबर तो आ ही जाते, रिक फ्लेयर को छोड़ के तीन मेंबर तो हो ही जाते, तो अच्छे ही किया आउट कर दिया। शेमस नहीं, शेमस नहीं, आउट हो जाऊंगा शेमस में, बोला था गोरी चमड़ी शेमस। ये ले तीन तीन सुप्लेक्स खा भाई, ओ पंट किक, ये अच्छा है, बचा लिया बटिस्टा ने, बटिस्टा अच्छा खेल रहा है। कोई आ रहा है शेमस, अकीरा भाई तू 24/7 चैंपियनशिप जीते जीते यहां कहां से आ गया। बच गया शेमस, बहुत लक से बचा है शेमस, हर बार नहीं बचेगा भाई। अकीरा पिटा रहा है बटिस्टा से, चल भाई शेमस जा बाहर। ऑटन तू भी जा भाई बाहर, रिवर्स मत करना प्लीज भाई, बाहर जा भाई, बहुत बढ़िया। अकीरा को बहुत मार लिया सर, अब इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 28 नंबर पे सीएम पंक, बेस्ट इन द वर्ल्ड, और तू अकीरा आजा, सीएम पंक थोड़ा हटिए, तो इसको आउट कर देते हैं, उसके बाद अपन लोग दोनों लड़ लेंगे। कितना छोटा दिख रहा अकीरा, सीएम पंक पास तीन फिनिशर है, मेरे पास एक भी नहीं है, ये बहुत बेकार बात है। ये लीजिए, हेल्थ भी खत्म हो चुकी है मेरी, 29 नंबर भी आ रहा है, सुप्लेक्स है ये, पड़े रहिए, बचा लिया यार फिर इन्होंने। ब्रॉन्ज शो मना रहे नए वाले, और इधर मुझे फिनिशर पड़ने वाला है, रिवर्स करना होगा वरना गया काम से। स्ट्रोमन ने सर में क्या पहन रखा भाई, सर में चोट लग गई थी क्या स्ट्रोमन, पट्टी वट्टी बांध के आए यार, कोई बात नहीं। स्ट्रोमन साइड में रहिए, मुझे मत मारिएगा। आखिरकार सीएम पंक ने दे ही दिया फिनिशर, बची कुछ ही हेल्थ भी ले गए। चलो आखिरी आदमी आ रहा है, ये लोग आपस में क्यों नहीं एलिमिनेट कर रहे एक दूसरे को, मैं चित पड़ा हुआ हूं भाई। केन, केन अब देगा मुझे पेन, आ गया केन, केन ही अब लगता है उठा के मारेगा मुझे। अरे केन तो स्टाइल मारने लगा भाई, केन इसी बात पे बाहर चला है भाई, तेरा इस छोटी सी तेरी गलती की फायदा उठा लेता हूं मैं, बाहर। तीन फाइनल लोग बचे हुए, चलो भाई एक आदमी का तो मैंने गेम कर दिया है जिसका नाम है सीएम पंक, रिवर्स नहीं कर सकते सीएम पंक। जा भाई फाइनल टू, ब्रॉन स्ट्रोमन और ये ब्रॉन स्ट्रोमन की हेल्थ चकाचक, और ये पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमन ने सर में क्या पहन रखा है भाई, क्या हो गया ब्रॉन स्ट्रोमन सर में, ये क्या पहन रखा है भाई। चलिए ठीक है आइए, तीन तीन फिनिशर लेके घूम रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। रिवर्स कर दिया और हेल्थ भी पूरी टाइट है, फिनिशर देने जा रहा है यार मुझे, गलत बात, एक नंबर से टिका हुआ है ब्रॉक लेसनर, प्लीज जीतने दो मुझे, मेरा हक बनता है। आइए आइए, आखिरकार दे ही दिया रनिंग पावर स्लैम, बच गई 12 मेरी, अब मुझे रिंग के बाहर फेंक देंगे। नहीं 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 प्लीज ब्रॉक, ब्रॉन नहीं नहीं भाई, बहुत मेहनत से टिका हुआ था भाई, एक नंबर से टिका हुआ यार, ऐसे मत कर।
पहले अपनी हेल्थ रिकवर करने दो भाई। यार लास्ट वाला आदमी इतना क्यों सताता है, थक गया हूं मैं, जीतने दो प्लीज। सुप्लेक्सी खा, थोड़ी सी एनर्जी मुझे बढ़ाने दे भाई। आ गई। ब्रॉन स्ट्रोमन क्या इरादा है, जीतना है तो आ जाइए, दोनों में से एक ही जीत सकते हैं। चलिए सुप्लेक्स सिटी, एक दो और ये तीन। चलिए भाई तैयार हो, F5। अब रिंग के बाहर जाना होगा आपको ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि मुझे जीतना है तो आपको तो बाहर जाना ही होगा सर, समझा करिए, नथिंग पर्सनल, बाहर जाइए। चलो ब्रॉक लेसनर को जीत मुबारक हो, पर 2K बैटल ग्राउंड में हालत खराब होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग रॉयल रंबल 30 मैन रॉयल रंबल खेलेंगे 2K बैटल ग्राउंड में। ये लास्ट का मोमेंट क्यों दिखा रहा है, पूरा दिखाता है यार, रिप्ले ही दिखाना था तो। ब्रॉन स्ट्रोमन ऐसे ही लगता है डैमेज थे और बाहर भेज दिया मैंने। चलो भाई ब्रॉक लेसनर एक नंबर से जीत गए, पर 2K बैटल ग्राउंड में मैं जीतूंगा या नहीं मुझे भी नहीं पता, बहुत मुश्किल है 2K बैटल ग्राउंड में 30 आदमी लोग को हैंडल करना भाई, मैं 10 आदमी को उसमें हैंडल करना मुश्किल होता है। ब्रॉक लेसनर ने दिखा दिया है रेसलमेनिया की तरफ, हाँ जा रहे हैं ब्रॉक, बम बम फटा नहीं फटता है यार। चलो बढ़ते हैं अपन 2K बैटल ग्राउंड की तरफ। तो दोस्तों आज का फाइनल मैच 2K बैटल ग्राउंड में 30 मैन रॉयल रंबल मैच, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सेम मैच आज मैंने तीन तरह का मैच किया है और तीनों को कंपेयर किया भाई, WWE 2K20 और 2K बैटल ग्राउंड का। तो अब तक आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन सा गेम पसंद है, दोनों पसंद है तो वो भी बोल सकते हो भाई, क्योंकि जैसे मुझे दोनों पसंद है तो आपको भी दोनों पसंद हो सकता है। तो भाई कमेंट करके मुझे बताना कौन सा गेम ज़्यादा अच्छा है। स्टार्ट हो जाओ भाई, कंटिन्यू। हाँ चलिए, इसका 30 मैन रॉयल रंबल मैं एज लेके खेलने वाला हूँ, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है मुझे लग रहा है ऐसा। अब मेरी बजने वाली बैंड, क्योंकि इसमें एक एक प्लेयर को आउट करने में इतना ज़्यादा मेहनत है ना कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है एक एक प्लेयर को आउट करने के लिए भाई, उसकी पूरी हेल्थ ख़त्म करनी पड़ती है। वो रॉयल रंबल तो 20 मिनट चला था ना, ये पता नहीं अगर मैं एंड तक पहुँच गया, जो कि मुझे पता नहीं पहुँचूंगा या नहीं। सिज़ारो आया, हट, इसमें हेल्थ बचा के रखनी है भाई, उसकी ऐसा नहीं है भाई। इस देखो कितना अच्छा 2K20 में मैं रिंग के पास रखता था, रोप पे लेटा देता था, उसके बाद फिर दौड़ के मारता था क्लोज लाइन आदमी बाहर, पर इसमें ऐसा नहीं है। चलो बाल सेट कर लिया, थोड़ा हीट मिला है। हाँ कौन आ रहा है, लिंस डोराडो। आज देखो ना कौन कौन सा प्लेयर आता है भाई, ये देखो एक और आ गया लिंस डोराडो, तेरे को मिलेगा अभी रुक जा। हाँ भाई एग्जीक्यूशन आके मुझे ही अच्छा, इसमें पता नहीं क्या सिस्टम है, जो आएगा एकदम मेरे ही तरफ टारगेट रहेगा उसका। अरे मैं ये देखो दोनों मेरे पर अंडरटेकर आ गए, दोनों टारगेट चेंज ही नहीं करेंगे, कंटिन्यूअसली मेरे को मारते रहेंगे। ये देखो भाई टैग टीम मैच नहीं चल रहा है, ये तो अंडरटेकर आ गए, अंडरटेकर ने और अंडरटेकर तीनों मेरे तरफ है। हाँ चलो ठीक है, कम से कम दो लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। अब तो तू पिटा है भाई, दम तक पिटा और बाहर जा। इसको बाहर भेजना है सिज़ारो को कम से कम। आर क्यों हालत पंचर होने वाली है सिज़ारो को बाहर करने में, पर इसमें एक चीज अच्छा है कि चार प्लेयर से ज्यादा एक टाइम पे नहीं आ सकते हैं, उसमें भाई 6 प्लेयर एक साथ आ जाते हैं। चलो रिवर्स, अब पिटा सिज़ारो टकलू, बहुत मेहनत करवाई तूने, ये ले लात खा। रिवर्स कर दिया सिज़ारो, लिंस डोराडो के पास और अंडरटेकर दोनों के पास फिनिशर है, उन दोनों से लड़ना ही नहीं है भाई। अंडरटेकर यार जहां मैं खड़ा हूं वहीं पे आपको धरती क्यों तोड़ना रहता है, बगल में भी आप तोड़ सकते हो, किसी ने मना थोड़ी किया है। अंडरटेकर की तरफ टारगेट क्यों हो गया मेरा,
तू बाहर जा भाई। चलो एक आदमी तो बाहर गया कम से कम। चौक स्लैम लिंस डोराडो को, लिंस डोराडो को बाहर करना चाहिए अब। बाहर जा भाई, बाहर बाहर बाहर, बहुत बढ़िया, बाहर वापस आना मत यहाँ पे। ये गलियां ये चुबारा यहाँ आना ना दोबारा। ये बैग वाला भाई कैरेक्टर, आप लोग जो कैंपेन मोड नहीं देखते हो भाई, उनको नहीं पता होगा कि ये कौन है। ये मेरा ही कैरेक्टर है, मतलब इसको लेके खेला था भाई मैंने, पर अब ये मेरे ही खिलाफ खेल रहा है। मारिए अंडरटेकर, दबा के मारिए। कौन आ रहा है? दमिज आ रहे हैं क्या? मिजी लग रहे हैं, पता नहीं कौन है। शॉन माइकल है, अच्छा शॉन माइकल मिस को एक ही ऐसा बनाया है। एक तो मेरे और शॉन माइकल की पैंट भी एक ही जैसी है। अच्छा वो मैंने दाढ़ी रखी है भाई, वरना पहचान में नहीं आता कौन क्या है। शॉन माइकल अब रिवर्स नहीं कर सकते हो आप, पता है? शॉन माइकल से मैं मारते मारते अंडरटेकर की तरफ कब चला गया पता ही नहीं है, पर ठीक है। हटिया, अरे हट ना बैग वाले बेवकूफ। क्यों तो लिया था मैंने ये कैरेक्टर, मेरा ही दुश्मन बन के बैठा हुआ है भाई। इधर अंडरटेकर चौक स्लैम दे रहे, इधर मैं एग्जीक्यूशन दे रहा हूँ। वाह ये तो एपिक मोमेंट था। शॉन माइकल पिटाइए आप, चलिए बाहर जाइए। अभी लगता नहीं पर बाहर जाएंगे शॉन माइकल, मुझे नहीं लग रहा था। हाँ हेल्थ है अभी शॉन माइकल की, पांच ही आदमी हुआ यार, हालत पंचर होने वाली है इसमें बाहर करने में। बहुत मेहनत वाला रॉयल रंबल है ये लीजिए। चलो अब थोड़ा थोड़ा चांसेस लग रहा है। मारने नहीं देना है, रिवर्स। हाँ हेल्थ बचा के रखनी भाई, 30-30 लोग आएंगे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो अब लगता है कि ये बाहर हो जाएंगे। चलिए बाहर हो जाइए प्लीज शॉन माइकल। चलो बाहर शॉन माइकल, अब कौन है अगला आदमी? ये भी बाहर हो सकता है, बैग वाला शिंसुके नाकामुरा। ये बहुत मारेंगे पता है, आते के साथ मेरे ऊपर लग गया शिंसुके नाकामुरा। अंडरटेकर भी मार रहे हैं मुझे ही। लो पड़ा शिंसुके को, अच्छा वो पड़ा मनुज कहीं का, जब से आया था तब से मुझे ही मारे जा रहा था। इसको इसको मारो, हाँ ये बैग वाले को। मैं मेरा टारगेट अब यही है। जा भाई बाहर जा, इसको बाहर भेजना है, इसको बाहर भेजना है। चौक स्लैम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। शिंसुके नाकामुरा, मैं और अंडरटेकर पूरा संभाल रहे हैं रिंग को। मारी बा, अरे अंडरटेकर मेरे ही से पंगा, मतलब ये तो गलत बात है अंडरटेकर। ले भाई स्टाइल मार रहा था शिंसुके नाकामुरा। चलो आपस में लड़िए आप लोग, मैं इसको देखता हूँ शिंसुके को। अंडरटेकर और मुझे कोई बाहर नहीं कर सकते, याद रखना। खा भाई 7 नंबर तक हो गया है, बहुत लंब। अरे यार ये तो रिवर्स कर दिया इसने, फिर ऊपर चढ़ रहा है शिंसुके नाई, शिंसुके नाई। हाँ आ जा बाहर, जा बाहर, जा बाहर जा। अरे अभी भी हेल्थ बची हुई है शिंसुके की, ठीक है कब तक बचेगा भाई, कितना मार खाएगा मैं भी देखना चाहता हूँ। बाहर जा बाहर जा, मैंने बोला ना कितना मार खाएगा। चला गया, अंडरटेकर की भी हेल्थ खत्म हो रही है, अब उसका फायदा उठाना चाहिए। बिगी आ रहे हैं अंडरटेकर, अब आपको सर बाहर जाना होगा। अभी भी अंडरटेकर की हेल्थ है अच्छी खासी, मैंने गलत पंगा ले लिया अंडरटेकर से। किसको मारूं, बिगी को मारूं क्या? बच गया बिगी, यहां से दूर ही रहो। चलो खा भाई बिगी, बहुत धीरे धीरे पार हो रहा है, पर चलो एटलीस्ट अपन आउट तो नहीं हो रहे अभी तक। 1 नंबर से टिके हुए, बहुत मारा यार बिगी ने। बिगी तू पिटेगा, किसी ने तुझे बताया? ये ले भाई एग्जीक्यूशन, खत्म हो गया यार मेरा एग्जीक्यूशन, पता नहीं कैसे दिया भी नहीं।
अंडरटेकर लगता है बाहर हो जाएंगे। अंडरटेकर अभी बाहर हो सकते हैं। बिगी छोड़ दे, अंडरटेकर को बाहर करने जा रहा था यार बिगी, बहुत बेकार आदमी है तू। बिगी कहाँ है? बिगी तो जब मौका मिल रहा है बिगी बहुत मार रहा है मुझे। चौक स्लैम गलत दबाया, आउट हो जाऊंगा। सुप्लेक्स भी दे दिया बिगी ने। बिगी हलवा बट रहा है, तब से मारे आ रहा है। हाँ ये ले, अब तेरे को दिखाता हूँ मैं, ऐसा पावर एक्टिवेट करके मारूंगा ना कि रिवर्स नहीं कर पाएगा। अब खा भाई, हट जाओ मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ऐसा टाइम पे भाई रिवर्स नहीं कर सकते बिगी, जब तक मेरे पास ये फोर्स है। इतना मारूंगा ना बिगी को, बिगी भी याद रखेगा भाई। कंटिन्यूअसली मारा है भाई बिगी को। लो भाई एग्जीक्यूशन खाइए बिगी, बाहर हो जाइए। बिगी की हेल्थ खत्म हुई, हाँ चलिए बिगी बाहर जाने का टाइम आ गया आपका। अरे यार बिगी की तरफ से अंडरटेकर ने टारगेट चेंज करवा दिया। अंडरटेकर आप ही बाहर हो जाइए, कोई तो बाहर हो जाओ। चलिए अंडरटेकर बाहर, बिगी भी बाहर हो सकते हैं। डॉल्फ ज़िगलर गलत बटन दबा दिया, अब बाहर हो जाऊंगा। बिगी बाहर हो सकते हैं, बिगी को ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ये ले भाई काल एंडरसन, रिंग के ऊपर से भाई तेरे ऊपर नहीं ना कूदा तो तू बोलना। फिनिशर ला दिया यार इसका, गलत किया। रिंग के बाहर नहीं, रिंग के बाहर हो जाऊंगा मैं, बच गया। बचाओ भाई 9 नंबर तक, पता नहीं क्या इसमें एक एक नंबर तक आगे बढ़ने में बहुत मेहनत है, देख ही सकते हो आप, क्योंकि फिर देना पड़ता है पूरी मार के। लो बिगी बाहर, लो काल एंडरसन ने दे दिया अपना फिनिशर या सिग्नेचर पता नहीं जो भी है। और अब एरिक रोवन आ रहे हैं और ये तीनों मेरी तरफ है। एज से पता नहीं क्या दुश्मनी है पूरे मोहल्ले को, सब मुझे ही आगे मार रहे हैं यार। हाँ ठीक है आपस में लड़ो, अच्छा लग रहा है मुझे। चल भाई एरिक रोवन, हाँ भाई स्पीयर, बहुत देर से स्पीयर नहीं दिया था किसी को, मजा आ गया। और पेट में घुसा के इसको स्पीयर दिया है। चल बाहर जा अब तू, काल एंडरसन बाहर निकल, बाहर एंडरसन बन जा तू। कौन आ रहा है भाई? अपोलो क्रूज है। 10 नंबर तक पहुंच गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है 10 तक पहुंच गया, वो भी बहुत है। हाँ भाई अब ऐसी फोर्स एक्टिवेट करूंगा ना रिवर्स नहीं कर पाएगा। आ जा भाई अब कंटिन्यूअसली मारना है जैसे बिगी को मारा था, बस उठा उठा के मारना है अभी, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा ही देर बस टाइम मिला है कि ब्लॉक नहीं कर सकता है ये। आ जा भाई, जो रास्ते में आएगा सब पिटाएगा। चलो पावर खत्म हो गई मेरी, 11 नंबर तक हो गया। अरे यार गलत बटन नहीं दबाना चाहिए था अभी, बहुत गलत टाइम पे गलत बटन दबाया है। खड़ा हो जाए, एच की पूरी बैंड बच चुकी है भाई हेल्थ की। ये ले पर फाइट करूंगा जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ले भाई एग्जीक्यूशन खा और पड़े रह। एरिक रोवन बाहर हो सकता है, तू कहाँ से आ गया यार डॉल्फ ज़िगलर? अच्छा खासा मेरा चल रहा था उससे मैच। अरे यार गर्दन से पकड़ के जो उठाता है ना बहुत गुस्सा आता है मुझे। एरिक रोवन को तो मैं ही बाहर करूंगा, हेल्थ कम है एरिक रोवन की। हट अपोलो क्रूज यार, अरे देखो अपोलो, मैं बोल रहा था कि अपोलो हट यार, सुनता नहीं है। खा गया मैं सिग्नेचर अपोलो क्रूज की वजह से, टारगेट सिस्टम इसमें बहुत खराब है। खड़ा हो जाए जी,
बहुत पीटा बहुत पीटा। एरिक रोवन तेरे को बाहर कर ही जाऊंगा मैं, सोच लिया मैंने भी। आना यार पकड़ में आ जा प्लीज। हाँ बाहर जा। बाहर हो जाएगा, हेल्थ कम है एरिक रोवन की। एक आदमी को जल्दी से आउट करता हूँ तब ना अगला आदमी आएगा। जा भाई बाहर जा, वापस मत आना। अगला कौन आ रहा है? डॉल जिगलर तो बस मेरा दुश्मन बन के बैठा हुआ है। बाहर जा, अभी नहीं जाएगा ये। मिक फॉली आ रहे हैं 12 नंबर पे। मिक फॉली टपक चुके हैं, बहुत मारने वाले हैं। किसको पता नहीं पर जिसको ही मारेंगे बहुत मारेंगे। किसको लगा यार ये? चलो बचा लिया मैंने। मिक फॉली एलिमिनेट करने ही वाले थे मुझे। मिक फॉली मेरे तरफ टारगेट कर लिया था मिक फॉली ने, कैसे तो मैंने रिवर्स कर दिया। फिनिशर आया क्या मेरे पास? आइए मिक फॉली सिग्नेचर फिनिशर जो है दे ही दे डालता हूँ आपको। एग्जीक्यूशन, अब ऐसी फोर्स एक्टिवेट करूँगा रिवर्स नहीं कर पाएंगे मिक फॉली। अरे मनहूस, अरे यार ज्यादा टाइम नहीं है मिक फॉली। चलिए इसको रिवर्स नहीं कर, इसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। बहुत टाइम वेस्ट करवा दिया मिक फॉली ने भाग भाग के खड़ा कर। अरे मनहूस तू अपोलो यार, बार बार बीच रास्ते में क्यों आ जा रहा है तू? मार खाने का ज्यादा शौक है, ले अब मार खा, मार खा, मार खाने का ज्यादा शौक है तो खा भाई, मेरा क्या जा रहा है। ये ले, बोल रहा था हट यार रास्ते से, हट यार सुनता नहीं है। स्पीयर खाएगा, आ जा खा भाई स्पीयर। आप बाहर जा, बोल रहा था हट यार सुनता नहीं। देख भाई लोग, आप लोग देख रहे हो ना, मेरी गलती नहीं है, मैं तो अपोलो क्रूज के भले की बात बोल रहा था। हट यार रास्ते से, बाहर जा, वापस मत आना यहाँ घूम के। और ये पागल कहाँ जा रहा है? हट, ये लीजिए 13 नंबर तक पहुंच गए, पता नहीं कैसे। ये मैच बहुत लंबा चलने वाला है, अगर 30 तक पहुंचा तो, उससे पहले किसी ने एलिमिनेट कर दिया तो अलग बात है। लीजिए डॉल जिगलर, जिगल लर आपको बाहर भेजता हूं मैं अभी। इसकी भी हेल्थ खत्म ही है, डॉल बाहर हो जाएगा। चलो बाहर, एक बार इसमें हेल्थ खत्म हो गया फिर आप चाह के भी नहीं बच सकते हो। चलो ये देखो, ये भी बाहर, दो आदमी तो ऐसे ही बाहर हो गया। ब्रॉक लेसनर आ गए भाई, इनको तो अभी जितवाया था 2K20 में। ब्रॉक लेसनर मेरी मदद करिए यार, आपको जितवाया था भाई ब्रॉक, इसीलिए जितवाया था। जब आके अब मेरा कचड़ा करो, मार खाइए आप, जाइए आधे टकले अंकल से। अंकल मारिए, बहुत मारना। इसमें दोनों मिलके आउट नहीं कर सकते हैं, नहीं वो ना रहा है। अब मिज आया, चलिए अंकल मुझे मत मारिएगा। अरे जो आ रहा है मेरे ऊपर टारगेट लेके आ रहा है, क्या बात है, तीनों मुझे मार रहे हैं। चलो रिवर्स कर दिया है 15, आधा मैच खत्म हो गया है। चलो फाइनली आधा मैच तो खत्म हुआ यार, अभी आधा और बचा हुआ है। चलो अब अंकल को ऐसा मार मारूंगा ना, याद रखेंगे। अरे ब्रॉक यार गलत टाइम पे तूने पकड़ लिया यार, मैंने अपनी पावर एक्टिवेट की थी। चलिए चल 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 जल्दी आइए, ब्लॉक नहीं कर सकता कोई अभी। ये मैं पावर एक्टिवेट कर रहा हूँ ना कोई आ जा रहा है मनुष्यत करने। खत्म हो गया पावर, और लंबा यूज कर सकता था। इनकी एनर्जी है अभी, बच गए एक सेकंड से बचे। अरे बाहर हो गए, वाह अच्छा, मुझे लगा बच गए थे। चलो आधा मैच खत्म हो गया। 16 नंबर पे कौन आ रहा है भाई? कौन है भाई? फिन बैलर है, फिन बैलर अभी दिखा मुझे।
ब्रॉक लेसनर के पास सुप्लेक्स आ चुका है, नहीं मेरे पास है, एजुक्यूशन खाइए लेसनर। 2K20 में आपको जिताया था, अब आपको बाहर जाने का टाइम आ गया है भाई। 2K20 से ज्यादा मेहनत है इसके रॉयल रंबल में, सच बता रहा हूँ। बच गया ब्रॉक, ये बाहर कैसे चला गया? अरे ये ग्लिच था, ये ग्लिच था शायद, पता नहीं ये ग्लिच लगा यार मुझे। भाई बताना तो ये फिन बैलर बाहर कैसे गया, ग्लिच था ना? ब्रॉक आइए, अब तो हो जाए। बहुत गलत कर रहा है मिस, मिस बाहर करने के चक्कर में मेरी हेल्थ पूरी खत्म हो चुकी है। सुप्लेक्स दे दिया ब्रॉक ने, चलो रिवर्स, बहुत सही टाइम पे रिवर्स किया। सबमिशन दे इसको, हाँ भाई ब्रॉक और रोमन को लड़ने तो अच्छा है। हटिए लिसनर, बोल रहा था हटिए, सुनते ही नहीं है। स्कल क्रशिंग फिनाले दे दिया यार मिस ने, एक तो एनर्जी के नाम पे कुछ बचा है नहीं, ऊपर से ये और अलग तंग कर रहा है मिस। ये क्या हो गया इसको, इनविंसिबल बन गया है मिस। अच्छा स्पियर, ब्रॉक को स्पियर। भाई ब्रॉक को जिताया था तो ये तो मेरा हक बनता है कि ब्रॉक को मैं ही एलिमिनेट करूं, और कोई एलिमिनेट नहीं करे। ब्रॉक प्लीज बाहर जाइए, ब्रॉक बाहर, तेरे को बताता हूं मैं किसको मारूं। सीना आ रहे हैं, अरे मिल के मारते हैं ना यार रोमन, ये दोनों का दुश्मन है। रोमन सीना भी आ गए, ले भाई सबमिशन का, मिस भी बाहर हो ही जाएगा, बाहर जा, अब बाहर जाएगा भाई तू, बाहर जाना यार क्या कर रहा है। अरे यार एक सेकंड से बच गया, सही टाइम पे रिवर्स कर दे रहा हूं वरना मैं बाहर चला जाता। 18 नंबर हो गया भाई, हारना नहीं है इसमें। ये चीज है 2K20 में आप रॉयल रंबल मैच में सबमिशन नहीं दे सकते हो, पर इसमें सबमिशन दे सकते हो, भले कोई फायदा नहीं होगा सबमिशन से पर आप दे सकते हो। हाँ भाई मिस बाहर हो सकता है, मिस की हेल्थ खत्म है, मिस बाहर जा, अगले आदमी को आने दे, चल बाहर जा। कौन आ रहा है, रॉबर्ट रूड, मिल के मार रोमन मार। अरे टैग टीम, टैग टीम नहीं किया रोमन ने, रोमन तो उल्टा मुझे ही मार रहा है। लो इन लोग की आपसी में चली पड़ी है, तो आ जाओ भाई मैं रॉबर्ट रूड को मारता हूँ, रोमन और सीना को लड़ने दो आपस में। रोमन भाई तू किसको मारना चाह रहा है यार, कंफर्म हो जा पहले, मेरा गलत करवा दे रहा है पिडिया में। मगरमच्छ के गुर्राने की भी आवाज आ रही है साइड से। फिन बैलर का मुझे क्लिप में देखना है भाई, कोई कमेंट करके बताना फिन बैलर का क्या हुआ था यार, वो सही में आउट हुए थे या ग्लिच हुआ था उनके साथ। रॉबर्ट रूड बहुत मार रहा है, बहुत ज्यादा मार रहा है, हद से ज्यादा। सही दबाया, हाँ फाइनली। रॉबर्ट रूड तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं अभी, आ जा। खा भाई एजुकेशन, कब से देने की सोच रहा था। हेल्थ खत्म हुई रॉबर्ट रूट की, सबमिशन देने से हेल्थ जल्दी जाती है। सीना भी सबमिशन दे रहे हैं, डबल सबमिशन। रोमन और सीना ने लड़ लड़ के एक दूसरे की हेल्थ कम कर दी, ये चीज तो अच्छा ही है मेरे लिए, मेरे लिए फायदेमंद ही है। आ जा रॉबर्ट, अब कोई सामने मत आना मेरे, सब ने अनब्लॉकेबल फोर्स एक्टिवेट। सीना ए देने जा रहे, वाह। रोमन लगता बाहर होने वाले,
हटे जाओ, कोई रास्ते मत आना अभी। रॉबर्ट रूट की एनर्जी खत्म हुई। हाँ मुझे लगता है खत्म है रॉबर्ट रूट की एनर्जी। अरे यार ये मुझे बाहर कर देगा। अरे यार बहुत आगे तक आ गया था, 19 नंबर तक आ गया था, मूछो वाले रॉबर्ट रूट ने मुझे बाहर कर दिया फाइनली। पर चलिए, मैंने आपको इसीलिए बोला था कि इसमें रिवर्स करने का मौका नहीं मिलता है। हेल्थ खत्म तो गेम खत्म। तो भाई चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जो लोग को 2K20 और 2K बैटल ग्राउंड भाई चुनने में मुश्किल हो रही है, वो लोग ये गेम देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा क्या लेना है क्या नहीं। और आप लोग कमेंट कर बताना कि इस टाइप की वीडियो और देखनी है कि नहीं, जिसमें 2K20 और 2K बैटल ग्राउंड दोनों देखने को मिले आपको। और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।